मेरी माने तो ये लड़कियां होती है ना, लड़कियां औरतें, इनका सिर्फ एक ही टॉपिक होता है, उनके पास सिर्फ एक ही टॉपिक होता है डिस्कशन करना, बुराई करना। और बुराई भी किसकी? अपने पति की, अपनी सास की। अच्छा, सास के बारे में मैं बताना चाहूंगा, लड़कियों का और सास और उसकी सास का बड़ा अजीब रिलेशनशिप होता है, कभी प्यार, कभी टकरार, नोक झोंक, ये वो ऐसा वैसा, बहुत बढ़िया। लेकिन जब एक नई नवेली दुल्हन शादी के बाद पहली बार अपने पति के घर जाती है तो मन में क्या सोचती होगी, क्या सोचती होगी अपने मन में? वो भगवान से यही प्रे करती होगी कि भगवान, हे मेरे भगवान, मेरी प्रार्थना सुनो, कि या तो सास चंगी होवे या फिर फोटो टंगी होवे। और शादी के बाद जब घर में आती है नई नवेली दुल्हन जो होती है, तो सास को भी प्यार दिखाने का बड़ा मौका मिलता है, बड़ा चांस मिलता है। तो क्या होता है, ऐसी एक दुल्हन आई अपने ससुराल में, तो उसकी ससुराल ने प्यार दिखाने के लिए उसको बोला, बेटी आज से आपको आपके घर में बताया होगा कि सास आएंगे, ससुर आए, ससुर जी हैं, सास होंगी ससुराल में, उनका कहना मानना, उनकी सारी बातें सुनना। लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं है, मुझे सास नहीं अपनी माँ समझना, और ये इनको ससुर नहीं अपना बाप समझना, अपने पिता समझना, मुझे कभी सास बुलाने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा मुझे माँ बुलाएंगे और इनको पापा बुलाएंगे। ये बात लड़की के दिल में घर कर गई। शाम को जब उसका पति आया तो पता है उसकी पत्नी क्या बोलती, माँ पापा देखो भाई आए हैं, भैया आए हैं।